चैनल कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज मैंने बहुत दिनों के बाद ऐसे कैमरा उठाया है और आप सभी से बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया मैंने कोई वीडियो आप सभी के साथ नहीं शेयर किया। एक वीडियो किया था होली वाले दिन का, बट उसमें मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी और वो बाई मिस्टेक मेरे से शेयर हो गया। ऐसे कई वीडियो, मतलब 2 या 3 वीडियो में और ऐसे ही अपनी जो फीलिंग है वो शेयर कर चुकी थी, लेकिन मैंने वो अपलोड किया उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया। मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया, ये बाई चांस आप सभी के साथ पब्लिकली पता नहीं कैसे अपलोड हो गया। और वैसे मैं हमेशा टाइटल वगैरह डालने के बाद ही उसमें मैं पब्लिक करती हूँ, बट वो ऐसे ही हो गया था, फिर मैंने उसको प्राइवेट नहीं किया। और इधर बीच में मैंने 2-3 बार कोशिश की मैं ब्लॉग बनाऊँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं स्टार्ट करती थी, बहुत अच्छे से स्टार्ट होता था, उसके बाद में वो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाता था या फिर कुछ ना कुछ मेरा मूड ऐसे ही हो जाता था ख़राब, तो वो सब था उसके चलते। मैं अब कल बिहान के लास्ट पेपर है, एक्चुअल में 3 दिन और अभी चलने वाला था, 5, 6, 7 3 दिन और था, लेकिन उनका टीचर का आ गया था कि वो तीनों पेपर एक साथ कर देंगे, मैथ ओरल, मैथ रिटन और जो उसका रहता है तीसरा ड्राइंग का कलरिंग, वो तीनों पेपर कल ही हो जाएंगे उसके, तो पूरा टाइम वो स्कूल में रहेगा 3-4 घंटे। सो उसके फिर उसके बाद पेपर ख़त्म, तो मुझे लगा चलो मैं आज जा रही हूँ। मैं एक्चुअली मैं जा रही थी अभी थ्रेडिंग कराने और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा 2 मुए और वैसे हो रहे हैं फ्रिजी, तो मुझे लगा मैं चलो ये हेयर कट ले लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया मैंने लिया भी नहीं है। तो जब मैं वहाँ जा रही थी तो मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, और अभी मैं अपना मूड फ्रेश करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब मैं ज़्यादा जो हो गया वो हो गया करके लेट गो करने की कोशिश कर रही हूँ, और बीच बीच में ह्यूमन तो बीच बीच में वो बातें आ जाती हैं दिमाग में, बट मैं कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा देर के लिए ना आए और मूड मेरा पूरा पॉजिटिव रहे और अपने बच्चों का ध्यान रखूँ। मैं जब भी मेरा मूड ख़राब होता है या तो मैं तक्ष में या बिहान के साथ खेलने लग जाती हूँ, या फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन ना अमेजोन वगैरह या मीशो इन सब पे कुछ ना कुछ देखने लग जाऊँ, तो कह सकते हो विंडो शॉपिंग। और इस चक्कर में, इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में मैंने कुछ शॉपिंग भी कर रखी है, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ देखते हो और आपको कुछ चीज़ अच्छी लग जाती है, जैसे कि मेरा प्लस साइज़ है तो उसमें कपड़े वगैरह बहुत मुश्किल से मिलते हैं मेरे साइज़ में, तो जो भी मिलते हैं मैं ऑर्डर कर देती हूँ। सॉरी, इन सब में मेरे साथ 2 चीज़ें और हो रही थी, मेरा जो ये दांत का थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था तो उसमें भी मेरे को स्वेलिंग वगैरह हो गई थी, और उसके लिए भी मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ रहा है, और स्टोन का भी मेरे को कराना है इस बार, स्टोन का भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो सब भी कराऊँगी अब मैं। तो वही सब है, जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों में घुसूँगी फिर मैं और ज़्यादा मैं खुद को और प्रॉब्लम में डालती जाऊँगी। इन सब में मैं बहुत ज़्यादा, पिछला 1.5-2 महीना मेरा मैंने जैसे कि बताया बहुत ख़राब गया है, मैं उन सब में बात नहीं करना चाहूँगी। और अभी मैं वेट कर रही हूँ ऑटो वाले अंकल का, अभी दक्ष को सुला दिया है मैंने, तो बस अभी मैं जाऊँगी वहाँ पर फटाक से थ्रेडिंग कराऊँगी और कटिंग कराऊँगी, फिर मैं आ जाऊँगी। मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया है, वहीं पर कराऊँगी। सो चलिए चलते हैं, बहुत लंबी मैंने आप सभी से गपशप कर ली, बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में थी, बहुत सारी बातें मुझे आप सभी से करनी थी, लेकिन एक बार को मन में आता था कि मैं आप सभी से ये सब बातें शेयर करूँ, आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर करूँ, बट एट द एंड आते आते वो ब्लॉग या तो रह ही जाता था या फिर कुछ ना कुछ, मतलब छोटे छोटे पार्ट मैंने वो करे थे। मैंने उस दिन भी थोड़ी सी शूटिंग करी थी जब तक्ष ने मुझे क्लियर मम्मा बोला था, तो मैंने वो चीज़ भी शेयर शूट करी थी, बट मैं शेयर नहीं कर पाई आप सभी के साथ। और तक्ष की भी छोटी छोटी मस्तियाँ और बदमाशियाँ वो सब मैं शूट करती थी, पर मैंने कभी आप सभी के साथ शेयर नहीं किया। 1-2 बार मैं बीच पे गई थी मूड फ्रेश करने के लिए, संडे पर ही ये ज़बरदस्ती लेकर गए थे मुझे, 2-3 बार गए थे हम, तो वहाँ की कुछ कुछ क्लिप्स थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी, आपने देखा ही होगा। सो अब से मैं कोशिश करूँगी मेरे रेगुलर वीडियोज़ आएँ और पॉजिटिव आएँ। और कुछ कमेंट्स भी थे जिनके चलते मैंने आज मॉर्निंग में ही एक पोस्ट भी डाला है, आप लोगों ने देखा ही होगा। सो बस बहुत कुछ चल रहा है यूट्यूब पर, उसी से रिलेटेड मैंने भी डाला है, और जब कोई चीज़ मेरे पर आती है ना तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ, और वो कमेंट्स मैंने इसलिए नहीं शेयर करी आप सभी के साथ क्योंकि मैं जब उनका पहली बार कमेंट आया मेरे चैनल पर तो मैंने सोचा उनका जाने दो,
लेकिन चीज़ें जो चुभ गई थी उन सब के मैंने बोल दिया। तो चलिए आगे कभी आया तो मैं ज़रूर आप सबके साथ डेफिनेटली नाम के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अभी आपको रास्ते में या फिर वहाँ सैलून में जाकर ही। Hi! Hi!
घर और मिल ली हूँ अपने टुकू जी। मिला टुकू, हाय जी, हाय। मम्मा को ढूंढ रही थी छोके उठी तो लाडो। पिछली बार तो मेरे बाल बिगाड़ दिए थे, बट इस बार मेरे को लग रहा है मेरे सही कटे हैं। आप लोग बताना कैसी कटिंग हुई है, मैंने दिखाने की कोशिश तो की है। और अभी मैं करती हूँ अपना चेंज वगैरह, उसके बाद आज मुझे बासी भी बनाना है। कल हम लोग बासी खाएंगे, शीतला माता जी की जो पूजा होती है वो वाला, होली के बाद। सो वो मैं बनाऊँगी, कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ा सा बनाएंगे चखने भर का। सो मैं भी मिलती हूँ आपसे अभी चेंज करने के बाद, या फिर मैं मिलूँगी कल।